सो गाइस 2019 जो है ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और ये जो 2019 था वो एक काफ़ी एक धमाकेदार साल था अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड ऐप्स एंड गेम्स की। काफ़ी सारे जो ऐप्स और जो गेम्स जो इस साल लॉन्च हुए और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर ऐप्स एंड्रॉयड ऐप्स एंड गेम्स जो कि आपको 2019 के अंदर देखने को मिले हैं, और आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद ही इन ऐप्स के बारे में पता होगा। कुछ ऐप्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा कि ये इतने पॉपुलर हुए थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी लास्ट वीडियो है 2019 की, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं ऐप्स आपको बताने वाला हूँ ये मोस्ट डाउनलोडेड के हिसाब से भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो ऐप्स सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं उसी के हिसाब से वो फेमस हुए हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं एंड्रॉयड ऐप्स की तरफ। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है हमारा था वो व्हाट्सअप, सबसे ज़्यादा जो इसी के डाउनलोड से करीब 170 मिलियन इसके जो है डाउनलोड से वर्ल्ड वाइड अगर हम टोटल मिलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा टिकटॉक जो कि है सेकंड नंबर पर, और तीसरे नंबर पे आता है फेसबुक का मैसेंजर, और फिर चौथे नंबर पर आता है फेसबुक, और पांचवें नंबर पर आता है इंस्टाग्राम। तो बेसिकली सारी जो गिनती की जो 4 एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिलती है फेसबुक की, जो कि आपको सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड एप्लीकेशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो फेमस एप्लीकेशन इसके अंदर जो थी वो थी हमारी टिकटॉक। शुरुआत से ही 2019 से आते से इसने काफ़ी ज़्यादा धमाल किया है, और स्पेशली हम इंडियंस के दिलों पे इसने जो है राज किया है, क्योंकि ये एप्लीकेशन को हर घर में हर एक व्यक्ति जो आज की डेट में जो है इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो म्यूजिक वीडियोज जो इसी पर बनते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस ऐप्स अगर हम बोल सकते हैं तो वो टिकटॉक ही थी इस साल की, और काफ़ी ज़्यादा जो है इसने धमाल किया हमारे इंडियंस में, इंडियन ऐप्स में, या फिर आप बोल सकते हो इंडियन इंडस्ट्री में। तब चलते हैं हमारे गेम्स की ओर जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, और काफ़ी सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि कौन सा ज़्यादा डाउनलोडेड था। तो हम सबसे पहले टॉप 5 से चलते हैं सबसे नीचे से। तो 5वें नंबर पर आता है हमारा क्लैश ऑफ क्लैंस, जो कि आपको डाउनलोडेड में सबसे 5वें नंबर पर था। अब चौथे नंबर पे चलते तो वो था हमारा पबजी मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो पबजी मोबाइल है वो चौथे नंबर पे आ गया है। और फिर तीसरे नंबर पर था पबजी मोबाइल लाइट, जो कि पबजी मोबाइल का एक लाइटर वर्जन था। फिर दूसरे नंबर पे आता हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी, जो कि एक अभी नया ही लॉन्च हुआ था, और अभी 2-3 महीने पहले ही अभी लॉन्च हुआ था, लेकिन इसने काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस की और काफ़ी जो है जल्दी इसने जो है मिलियंस ऑफ मिलियंस डाउनलोड जो है बटोरे है। और हमारा पहले नंबर पर था गरेना फ्री फायर। जी हाँ दोस्तों, सभी को लग रहा था कि कॉल ऑफ ड्यूटी के सबसे ज्यादा डाउनलोड थे या फिर पबजी मोबाइल के सबसे ज्यादा डाउनलोड थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा जो डाउनलोड थे वो थे गरेना फ्री फायर के, और ये अभी अभी एक रिपोर्ट आई है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस ऐप थी, अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा फेमस एंड्रॉयड गेम्स की, तो वो थी कॉल ऑफ ड्यूटी। और ये ऐप्स ये जो गेम थी इसने आते से ही काफी ज्यादा धमाल मचा दिया था। 2-3 के अंदर इसने 100 मिलियन के ऊपर जो है डाउनलोड्स कलेक्ट कर लिए थे। तो ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी एंड्रॉयड ऐप बनाने वाली कंपनी के लिए, या फिर एंड्रॉयड गेम्स बनाने वाली कंपनी के लिए, कि 2 या 3 दिन के अंदर ही 10 मिलियन या 100 मिलियन से ज़्यादा जो है डाउनलोड्स अभी कलेक्ट करना काफ़ी एक बड़ी बात होती है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस ऐप थी इस साल की वो थी कॉल ऑफ ड्यूटी, उसके बाद आती पबजी मोबाइल लाइट, जो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड की गई। क्यों? क्योंकि ये जो ऐप थी, ये जो गेम थी, सबसे छोटे मोबाइल में भी चल जाती, जो 1 GB रैम वाले मोबाइल थे इनमें भी चल जाती थी। और फिर उसके बाद आता हमारा पबजी मोबाइल, और गरेना फ्री फायर तो सबसे ज़्यादा जो डाउनलोडेड हुई थी, और सबसे ज़्यादा शायद मुझे तो नहीं लगता ये फेमस ऐप है, क्योंकि बहुत कम लोगों के मोबाइल में मैंने इस ऐप को देखा है। और मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ऐप हुई है वो इस साल COD हुई है, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी है, और जो दूसरी ऐप थी हमारी पबजी मोबाइल लाइट थी। तो ये था मेरे टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर एंड्रॉयड ऐप्स एंड गेम्स जो कि आपको 2019 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ऐप्स थी वो थी टिकटॉक, जो कि आपको देखने को मिल जाती है, और जो दूसरी हमारी एंड्रॉयड गेम्स थी वो थी कॉल ऑफ ड्यूटी। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और गाइस ये मेरा आखिरी वीडियो है 2019 का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो 2019 अच्छा निकला हो, और आपका जो 2020 जो नया साल आने वाला है वो भी अच्छा जाएगा। और मैं 2020 में मेरा पहला जो वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि मेरा रहेगा बेस्ट एंड्रॉयड ऐप्स ऑफ जनवरी 2020। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो होप यू लाइक माई वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। माई नेम इज़ आदित्य। See you guys in the next one.